ये देखो बर्फ पड़ रही है। अरे ये देख चलो निकलने का टाइम आ गया है। ये एयर सीट मैंने निकाल के रखी थी, वो इंस्टॉल करेंगे बादल पे। तो ये एक साइड का मिरर है ना, पता नहीं कहाँ गिर गया, तो यहाँ का मैंने यहाँ लगा था, एक्चुअली यहाँ का गिर गया था, तो आई होप ये गिरे ना। सो जूले हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। वेलकम टू दिस एपिक एडवेंचर सीरीज ऑफ ज़ंस्कार राइड। मज़ा आने वाला है आज, और थोड़े से बादल छाए तो ठंड थोड़ी ज़्यादा है, बट आई होप बादल क्लियर हो जाए। राइट नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 8, हम लोग 9 बजे तक निकल जाएंगे, क्योंकि आज का पूरा दिन हमको लगेगा हानले पहुँचने के लिए, और हानले काफ़ी दूर भी है ना, 225 किलोमीटर से, तो रिस्क नहीं लेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, वैसे ऑलरेडी लेट ही है। मज़ा आ लिया मैं रुक के, बहुत अच्छा लगा। आज क्लाउडी है लेह में, तो काफ़ी ठंड है, और ब्रेकफास्ट हम यहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि फिर ऑन द वे रुकने का काम नहीं, बस पेट्रोल भरना है जेरी कैन में और 2 एक्स्ट्रा बॉटल्स, क्योंकि ऑन द वे पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं। यहाँ पे ना गरम गरम कुछ भी चीज़ लाओ, 10 मिनट में एकदम ठंडी हो जाती है, ऐसा लगता है फ्रिज में रखी थी। सो पैकिंग हो चुकी है, नाश्ता हो चुका है, और ये ब्यूटीफुल से होटल में हम 3 दिन रुके, मतलब 3 नाइट्स एंड 2 डेज़, बहुत अच्छा लगा। ये देखो इतना अच्छा गार्डन है, यहाँ पे पार्किंग सब सॉर्टेड है, एंड ऑफकोर्स ये होटल हमने बुक किया था वीगो से। सो वीगो इज़ अ ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड जिसकी सर्विसेज काफ़ी सारी कंट्रीज और करेंसीज में अवेलेबल है। इनफैक्ट वीगो इज़ वेरी हैंडी स्पेशली फॉर लास्ट मिनट बुकिंग्स फॉर फ्लाइट्स एंड होटल्स। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, अच्छा होटल और अच्छी डील मिलने के लिए हम अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करते हैं, अलग अलग ऐप्स में देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वीगो क्या करता है, वीगो ये करता है कि वीगो अलग अलग वेबसाइट से, इतनी भी सारी वेबसाइट्स है जैसे क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, इनमें से बेस्ट पॉसिबल रेट और ऑफर आपको डायरेक्टली एक ही ऐप में दे देता है। तो समझा आप, एक ही ऐप से आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपको होम स्टेज में रहना पसंद है तो वो भी आप वीगो से कर सकते हो। तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स जैसे अगोडा, एयरबिन भी, इसमें जाने की जरूरत नहीं, वीगो में आपको एक साथ मिल जाएगा बेस्ट पॉसिबल रेट। सिर्फ इतना ही नहीं, वीगो हैज कम अप विद द लेटेस्ट ऐप जिसमें काफ़ी सारी फन एक्टिविटीज़ है। इनफैक्ट आप IRCTC से ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हो। एंड बाय द वे, वीगोज ऐप इज़ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लोडिंग ट्रैवल ऐप, तो स्पेशली हैंडी कब होता है, जब हम लास्ट मिनट बुकिंग करते हैं या तो नेटवर्क जहाँ पे कम होता है। सो गो एंड डिस्कवर रियल वैल्यू ऑफ ट्रैवल थ्रू वीगो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, iOS एंड्रॉइड दोनों के लिए है, डाउनलोड करके रखो जब भी आप ट्रैवल करोगे। वेरी हैंडी, वेरी गुड ऐप, अच्छी अच्छी डील्स मिलते। देखो इतना बढ़िया सा होटल हमको अच्छी डील में मिला है, तो डू ट्राई इट आउट। चलो गणपति बप्पा मोरिया, हर हर महादेव। वो देखो ऊपर देख, स्नोफॉल हो रहा है, शायद खारदुंगला पे भी स्नोफॉल हो रहा है, अंकल ने बोला बादल है ना, मजा आएगा, थोड़ा स्नोफॉल मिल भी गया तो मजा आएंगी। चलो तो एक कैन और 2 बॉटल्स में पेट्रोल भर लेंगे, क्योंकि आगे जाके हानले के साइड पेट्रोल पंप नहीं है। ये इतना भरना, इतना बस 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 इसमें भर दो, बाकी इतना इतना। ओ बाप रे, ये देख डेजर्ट जैसा ही है। तो हम लोग ले से निकल चुके हैं, अभी है ये शे गांव, शे नाम का गांव है इसलिए शे गांव, अपना वाला शे गांव नहीं, पर यहाँ पे कचौरी मिलनी चाहिए ना, वड़ा पाव का स्टॉल चाहिए लद्दाख में, मज़ा आ जाएगा लोगों को। तो ये देखो ये शे पैलेस, अगर आपको और एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे आके आप ये देख सकते हैं। उपशी 33, माहे 142, चलो माहे तो आगे हो गया, और हम लोग अभी है ठीक से में। और अक्षय सब ठीक से? अरे देखो हमारे आर्मी लोगों की कलाकारी पहाड़ पे, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये देख ऊपर ऐसा क्यों लग रहा है, स्नो पड़ गया ऊपर, स्नोफॉल ही हुआ है। हाँ वो देख वहाँ पे बर्फ गिर रही है कि क्या गिर रहा है, बर्फ ही है शायद, क्या बात है, इतनी फ्रीजिंग हवा है, इतनी फ्रीजिंग हवा है। सामने वाला एंजॉय कर रहा है छोड़ के, उसको एकदम कबीर सिंह वाला फील आ रहा है। अरे भालू साहेब क्या कर रहे हो, हटो। हाँ थैंक यू। तो हम लोग है कारू में, यहाँ पे पेट्रोल अभी जितना जाएगा उतना भर लेंगे बाइक्स में, क्योंकि इसके आगे पेट्रोल पंप नहीं है, डायरेक्ट की लॉन्ग कुछ नहीं है बच्चों हमारे पास। तो ये देखो ये एक रास्ता है जो पैंगोंग जाता है, देखो ठंग से पैंगोंग लेफ्ट, हम लोग जाएंगे सीधा, ये है कारू, कारू का चौक, और ये रास्ता जाता है पैंगोंग। अब पता नहीं लोग जितने देख रहे हैं ये वीडियो उसमें बाइकर्स कितने हैं, ट्रैवलर्स कितने हैं, या नॉर्मल पीपल कितने हैं जो ट्रैवलिंग ज़्यादा करते नहीं है। लाइफ में एक बार लद्दाख ज़रूर करना गाइस, अगर पॉसिबल नहीं हो बाइक से नहीं हो, फिर भी जैसे भी पॉसिबल हो ज़रूर करना, नॉट नेसेसरी बाइक चला के पूरा आना है, यहाँ पे आप रेंट पे भी ले सकते हैं। सही, ये कुछ नया चालू किया इन्होंने, इधर भी आपको ATM मिलेगा देखो अंदर, और ये देखो यहाँ पे स्पीड कैमरा 23 और स्पीड,
40 की लिमिट। यहाँ पे पहुँच चुके हैं उपशी चेक पोस्ट। यहाँ पे शायद एंट्री करनी पड़ेगी, यहाँ पे लगा देते हैं बाइक्स। तो यहाँ पे अपने को परमिट दिखाना पड़ता है हानले जाना है तो, और वो स्कैन करती है, तो आपको ना फेक परमिट ऐसा सब नहीं चलेगा, स्कैन करके अप्रूव होता है वो। और हार्ड कॉपी नहीं हुई तो इट्स ओके, फ़ोन से भी दिखा सकते हैं। चलो बढ़िया, देखो यहाँ पे टर्न है हानले 200 किलोमीटर लेफ्ट चुमतांग और सीधा अपना सरचू मनाली, तो हम लोग जाएंगे लेफ्ट। हाँ ले 200 किलोमीटर बहुत दूर है यार। और वो जो पहाड़ दिख रहा है आपको वो बर्फ वाला, वहाँ पे है तंगलंगला। तंगलंगला पे बर्फ है 100%, गिरी भी होगी आज। चलो फर्स्ट टाइम ऑन दिस रोड हाँ ले, अब देखते हैं रोड कंडीशन कहाँ से है। वैसे तो मोस्टली अच्छा ही रोड है। साफ पानी है यार, ब्यूटीफुल मस्त पानी है एकदम ब्लू। क्या बात है जी, क्या बात है, बीएम क्या मस्त लग रही थी। आएगी भाई अपनी भी आएगी एक दिन। ये देखो कितनी प्यारी जगह है, वाह। हाँ तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी था क्योंकि इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है। तो अपना रेनकोट ही पहन लेते, अंदर मैंने वार्मर पहना है और इसके ऊपर ये राइडा वाला रेनकोट, रेनकोट बोले तो रेन लाइनर। तो इससे क्या होता है ना, हवा अंदर घुसती नहीं है ना, पैक हो जाता है। और ये जैकेट के साथ आता है विंटर वाटरप्रूफ ग्लव्स। बाय द वे दोस्तों, आपने डिस्काउंट का फ़ायदा उठाया कि नहीं, WSFIVE, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है राइडा गियर्स वेबसाइट की। अगर आपको गियर्स खरीदने हैं जाके खरीद सकते हैं 5% डिस्काउंट। यू आर इन रानीबाग, ऑल्टीट्यूड 11,000 फीट। मस्त आवाज है। 3 idiots शूटिंग पॉइंट कह लिया थे, तो वहाँ पे लिखा है 3 idiots शूटिंग पॉइंट, शायद यहाँ पे कोई शूटिंग हुई होगी पिक्चर की। ठंड बढ़ती जा रही है और हल्का हल्का स्नो गिरा था पीछे, और ये पहाड़ों पे जो आपको ऐसा थोड़ा दिख रहा है ना ब्लरी ब्लरी, वहाँ पे स्नो गिर रहा है। और आगे जो वाइट वाइट दिख रहा है वहाँ पे पहाड़ है, लेकिन वो पहाड़ भी नहीं दिख रहे। वो देखो रोड, और ये है इंदस नदी। और फ्रीजिंग कोल्ड है, फ्रीजिंग कोल्ड, वेरी श्योर कि 4-5 डिग्री के नीचे ही है। ये देखो बर्फ पड़ रही है। अरे ये देख अरे भाई पड़ रही है वो, क्या बात है। ये देखो ये भी देख लिया अपन ने, बहुत खास। अपनी ट्रिप नेक्स्ट लेवल चल रही है सही में। अभी वाइजर फ्रॉस्ट होना चालू हो जाएगा बर्फ पड़ गई तो, पहली बार बादल बर्फ में, वाह। सोचा नहीं था यार ये ट्रिप में बर्फ मिलेगी अपने को। चलो अच्छा कम हो गई, बंद हो गई। तो यहाँ पे हमको एक शॉप मिला है, देखते कुछ मिलता है क्या। ये देखो भाई,
मोमोज, क्या बात है। तो मिलिट्री वालों ने हमको मोमोज खिलाए, इतने बढ़िया मोमोज खिलाए, और बाहर पानी गर्म है बोले हाथ धोने के लिए। ये देखो नेचुरल, ये नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग है और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। और दोस्तों ऐसा वैसा गर्म पानी नहीं है, चटके बैठ रहे, नहाने जैसा पानी है। मस्त क्या करने का, इधर बैठने का, मस्त लूटा लेके बुड़क 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 बुड़क। चलो अभी बोल रहे थे 20 किलोमीटर ऐसा रास्ता है, उसके बाद फिर अच्छा रास्ता है। हान ले सीधा। चलो थैंक यू। थोड़ा सा हमको ऑफ रोडिंग मिला था, आई थिंक कुछ 4-5 किलोमीटर, और अभी ये पुराना वाला रास्ता शायद ठीक है, काम चल रहा है यहाँ पे। और ऊपर देखो फ्रेश बर्फ। और अपनी गाड़ी थोड़ा पिकअप देने में अभी थोड़ा डीले कर रही है, क्योंकि शायद अल्टीट्यूड की वजह से। सेकंड गियर पे डालता हूँ। बाप रे, वैली के अंदर जा रहे हैं अपन से अंदर। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं माहे, हाँ वे टू सोमोरीरी, बराबर है। ये सोमोरीरी जाएगा और आई थिंक हानले सीधा जाएगा। तो आप जब हानले जाते हो तो वापस यहीं पे आना पड़ेगा आपको, और फिर यहाँ से सोमोरीरी जाना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पे परमिट भी दिखाना पड़ेगा। ये देखो उपशी से चुमतांग से अभी माहे, तो माहे से हम जाएंगे हानले। चलो एंटर कर लेते हैं। वो भैया जो पुलिस वाले, वो इंसिस्ट कर रहे थे कि भाड़े का गाड़ी तो नहीं है, तो शायद भाड़े का गाड़ी का कुछ लफड़ा है। चलो जब भी आप आओगे थोड़ा जानकारी लेके आना। अभी 100 किलोमीटर आगे बढ़िया रास्ता है बोल रहे। क्या खूबसूरत जगह है यार, वाह देखो। और नदी के पूरे सराउंडिंग में से वाइट कुछ हो रखा है, पता नहीं क्या है, ऐसा लगता है सॉल्ट डिपॉजिट है। तू देखो दूर से भी ट्रक दिख रहा है, ऐसा रोड जा रहा है। हानले का रूट एक अलग खूबसूरती है, क्या ब्लू पानी है यार। ये देखो यहाँ पे SBI का ATM भी है ना, आयोवा गांव में। इतने रफ जगह पे भी लोग रहते हैं यार, बाप रे। बस मुंह से बाप रे, ओ माय गॉड, यही सब निकल रहे। ये रूट बहुत दिखने लायक है। वो देख बकरियाँ चर रही है वहाँ पे, शीप्स। वो देख भालू अकेला बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट, यहाँ से आपको एंट्री करना पड़ेगा। ये लोमा चेक पोस्ट है, टिबेटियन बॉर्डर पुलिस पोस्ट। तो जाते टाइम आउट भी करना पड़ेगा। और यहाँ से एक रोड आ रहा है, वो पैंगोंग से आ रहा है। तो पैंगोंग से अगर आप आते तो यहाँ से आओगे और लेफ्ट मारोगे हानले के लिए। क्या मस्त ब्रिज है। अरे 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 अरे, देख क्या, देख के देख के, इधर से बीच में से, बीच में, ठीक है। अलग ही लेवल की खूबसूरती है यहाँ पे। और यहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है, शायद बड़ा ब्रिज बनेगा। इंडिया के बहुत तगड़े कोने में आ गए अपन। ये देखो पहाड़ पे पूरी डेजर्ट जैसी सैंड है। ये देखो वापस आ गए। ये शायद टैंक क्रॉस करने का एरिया होता है ऐसा, जगह जगह पे। अरे बाप रे, क्या हवा चालू है, पूरा गाड़ी ऐसे टिल्ट हो रहा है एक साइड में। ये देखो हानले 39 किलोमीटर, डराना लग रहा है। अरे कौन सी दुनिया है ये, ऐसा लग रहा है कि इधर मिडिल ईस्ट में, सऊदी में ऐसा रास्ता। देखो ना पूरा सीन वैसे ही है। अले बीबी आओ कभी भी, लेकिन नो, दिस इज इंडिया माय फ्रेंड्स, दिस इज इंडिया। हानले ना हानून काट ला पहले। ये रोड पे आपको सिर्फ मिलिट्री वाले दिखेंगे और लेबर काम करने वाले वो गाड़ियाँ दिखेंगी बस, और मिलिट्री कैंप्स भर भर के दिखेंगे, बाकी कुछ नहीं। एक आध दो हमारे जैसे राइडर्स दिखेंगे जो पागल है यहाँ पे आ रहे हैं। बाप रे, क्या यार, बोलने को शब्द ही नहीं बचे यार।
देखो आगे यहाँ पे मौसम अभी खराब हो रहा है भाई, रास्ता भी उधर ही जा रहा है। ये क्या क्या डरावना लग रहा है, देखना। बाप रे, पंगू से आया, कहाँ से? ले से आए, सीधा ले से आया। हाँ, यहाँ पे सर पेट्रोल मिलता है क्या अंदर? हाँ, मिलता है। बोतल में मिलता है? अच्छा मिलता है, अच्छा ओके। तो हम लोग हानले पहुंच चुके हैं। वो देखो वो ऑब्जर्वेटरी ऊपर है, लेकिन अभी गांव देखते हैं, गांव में जाके देखते हैं होमस्टे। और वो देखो पूरा स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पे, और गोप्रो डेड एज यूजुअल। चलो ढूंढते होमस्टे। तो पहुंच चुके हैं हम हानले, और एक अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि देखो ऊपर पूरे बादल आए हैं। हानले आते हैं क्यों लोग? क्योंकि यहाँ पे गैलेक्सी दिखती है, और गैलेक्सी आज हमको शायद, लेकिन होपिंग फॉर द बेस्ट। देखो वहाँ पे थोड़ा खुल गया है, सूरज ज़्यादा बाहर आ रहा है, तो आई थिंक बादल अगर हट गए तो फिर कुछ मज़ा आ जाए। तो ये देखो, ये हमारी बेसिक सी रूम। यहाँ पे होम स्टे आपको मिलेंगे, ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, और 2000 रुपये लिए हैं इन्होंने। इसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर मिल जाएगा। एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बादल बहुत है, मौसम ख़राब है, नहीं तो इतना ठंड शायद होता नहीं होगा। अभी सीज़न भी नहीं है ना ये सब चीज़ों का। और अभी देखते हैं यहाँ का एल्टीट्यूड। कल ही मैंने ऐप डाउनलोड किया, 4273 meters, और ठंड यहाँ पे 100%, बहुत ज़्यादा ठंड है। रात को तो बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। भैया को बोला है कुछ भी करो, पर पहले कुछ खाने के लिए लाओ, मैगी लाओ, कुछ भी लाओ। और लोकेशन आपको दिखाऊंगा, तो भाई लोकेशन तो ऐसा है अपना, ये देखो इंडिया के किस कोने में हम। चलो जी, आ गई हमारी मैगी, और आ गया वाईफाई का पासवर्ड। अरे वाईफाई यहाँ पे। तो देखो अभी बजे है 7:15, और यहाँ पे मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन वो वहाँ पे देखो पूरा बर्फ हो रहा है पहाड़ों पे। ये देखो यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। बस भगवान कुछ चमत्कार कर दे और यहाँ का पार्ट ओपन हो जाए, तो रात को कुछ दिख जाए। वैसे फिलहाल थोड़ा ओपन है। तो ये देखो होमस्टे का खाना, काली दाल, बैंगन, रोटी, सिंपल और बढ़िया। यहाँ पे राइस, और वहाँ पे छोटा बच्चा जो रो रहा है। अपन भी रोने की हालत पे है भाई, कितनी ठंड है, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। तो रात के बजे है 10, और देखो स्काई क्लियर हो गया, लेकिन आज पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा, तो मून एकदम फुल ब्राइटनेस में, और थोड़े बहुत स्टार्स दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो आई एम नॉट श्योर कितना कुछ दिखेगा। अगर दिख गया तो अच्छा है, नहीं दिखा फिर भी ठीक ही है। सो जैसे आपने देखा कि बाहर फुल मून है आज, तो गैलेक्सी दिखना तो मुश्किल है, फिर भी सोने के पहले मैं ट्राई करूंगा, अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं भी दिखा तो ये रूट इतना खूबसूरत था तो कोई बात नहीं। वैसे भी गैलेक्सी देखी थी लास्ट टाइम नूबरा में, तो अगली बार कभी हानले आ जाएंगे तो तब देख लेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। ये जो रूट है इतना बढ़िया सा रूट था, वन ऑफ द बेस्ट रूट हमारे पूरे ट्रिप का, पसंद आया। डू हिट द लाइक बटन, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। एक्चुअली थक गए हम लोग अभी, बस ऐसा लग रहा है कि कब घर पहुँचेंगे, बहुत याद आ रही है घर की अभी। चलो मिलते हैं।